Hello everyone, today I'm gonna do this project on COVID-19, which is related to the latest data set given on the internet. And I'm doing this project for the internship task given by the Sparks Foundation. So first of all, my first task was that this is raw data set, and I have cleaned this data using Power BI Power BI query, and I like remove all the errors and filter data, as there are some null data and some errors. So I removed all that thing, and then I visualized the data. So after completing my step of data cleaning, I apply this data into Power BI and visualize that in the form of line graph, pie chart and table, as well as tree map, so that I can easily reflect my data in the form of visualization and in the form of graphs. So मैंने फर्स्ट जो चूज कर वो लिया है मेल स्मोकर्स बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड ये ग्राफ के फॉर्मेट में लिया, एंड इसको हम फॉर्मेट करेंगे एंड फिल्टर यूज़ करेंगे. हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे एंड इसमें थोड़ा सा जो हमारे कलर्स हैं उसको एनहेंस करेंगे, जो हमारे टेक्स्ट का कलर है उसको चेंज करेंगे हमारा, क्योंकि बैकग्राउंड हमने ब्लैक लिया तो जो हमारा कलर होगा वो उसके अकॉर्डिंग रखेंगे. तो मैंने सारे टेक्स्ट का कलर वाइट रखा है एंड बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक रखा है. एंड दीज वेव्स आर शोइंग डेटा ऑफ मेल स्मोकर्स एंड देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. सो अब हम यहाँ पे कैनवस का भी बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, एंड मैंने कैनवस का बैकग्राउंड रखा है ब्लैक. एंड हम सेकंड जो ग्राफ यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा सिमिलर है मेल स्मोकर्स बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी से. एंड जो सेकंड ग्राफ रहेगा उसमें रहेगा फीमेल स्मोकर्स के रिगार्डिंग, एंड ये सेम है. और हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करके सेकेंड ग्राफ को भी सिमिलर बना लेंगे जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है. इट मीन्स बैकग्राउंड कलर, कर्व एंड ऑल दिस थिंग्स, कलर कॉम्बिनेशन वो सब चेंज होगा फॉर्मेट पेंटर से. एंड हम थर्ड ग्राफ यूज़ करेंगे, वो हमारा रिलेट होगा जो सम ऑफ पीपल जो वैक्सीनेट हुए हैं बाय कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग, एंड इसमें एशिया एंड यूरोप का दिखा रहा है. सो मैं ईजीली कर रही हूँ, मैं फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा काम ईजी हो जाए और मैं जो मेरे ग्राफ्स हैं उनको सिमिलर शो कर पाऊँ, एंड मुझे बार बार फिल्टर और फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा इस फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने के बाद. एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ पाई चार्ट, एंड उसके अंदर हम डेटा लेंगे जो पॉपुलेशन है एंड जो पीपल वैक्सीनेट हुए हैं उनका. एंड इसको भी मैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू यूज़ करके सिमिलर कर लूँगी. एंड आई एम अरेंजिंग ऑल दिस थिंग्स इन लाइन एंड सो दैट माई डैशबोर्ड लुक्स क्रिएटिव एंड इफेक्टिव.
एंड इसमें कुछ चेंजेस थे जो मतलब फॉर्मेट प्रिंटर से नहीं हुए थे, तो मैं उनको भी ठीक करूँगी। जैसे इसमें टेक्स्ट कलर है वो शो नहीं हुआ था, वो ग्रे कलर था, उसको चेंज करना। सिमिलरली डोनट चार्ट में भी ऐसे ही था कि उसमें जो टेक्स्ट कलर था वो चेंज नहीं हुआ था, मैं उसको भी चेंज करूँगी और उसको वाइट कर लूँगी। अब हम जो नेक्स्ट यूज़ करने वाले वो हमारा ट्री मैप, एंड हम इसमें जो न्यू केसेस आए हैं कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग हम उसको लेंगे। एंड हम इसको एडजस्ट करेंगे, मैप की सेटिंग्स मैंने एडजस्ट करी है, साइज़ मतलब साइज़ को बड़ा करना है छोटा करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर रहा है। सिमिलरली मैं इस डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी सारे ग्राफ्स एंड विजुअल्स को यूज़ करूँगी ताकि मैं अपने जो डैशबोर्ड को और ज़्यादा मतलब क्रिएटिव बना पाऊँ, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी डैशबोर्ड के अंदर चीज़ों को समझा पाऊँ। सो मैं इसमें 3 to 4 टाइप्स के ग्राफ्स यूज़ करे हैं विच विल बी हेल्पफुल फॉर मी। मैं एक टेबल भी क्रिएट करूँगी जिसके अंदर मैं सब डेटा को एक टेबल के फॉर्मेट में लूँगी, एंड एट लास्ट मैं इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स डालूँगी जो मेरी डैशबोर्ड है उसको हेडिंग की तरह काम करेगा। एंड मैं उसका नाम जो है वो COVID-19 करूँगी क्योंकि ये COVID-19 से रिलेटेड डेटा सेट है। एंड सो दिस इज़ माई डैशबोर्ड विच आई हैव क्रिएटेड एंड आई एम डूइंग इन प्रोसेसिंग। सो दिस इज़ लाइन चार्ट, एंड मैंने इस लाइन चार्ट में भी सेम बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर रखा है।
सो सब चीज़ें करने के बाद ये मेरा डैशबोर्ड हुआ कंप्लीट एंड अब हम यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं डेटा को. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.